बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद नुमान कयूम। तुसी देखदे पए हो गंदारा हिंदको टीवी। आज दी ताज़ा खबरां, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने किया वे कि हकूमत कुछ भी कर लवे, जेल मनु नहीं पहन सकती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाहौर की कोट लखपत जेल साबिक वज़ीर आज़म नाल मुलाकात की थी। बिलावल ने नवाज शरीफ की खैरियत दरियाफ्त की थी ते उन्हां दी जल्दी सेहत याबी वसे नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ नूं किया कि मियाँ साहब, तुसी त्रै दफा वज़ीर आज़म रहे हो, ये लोग ज्यादा देर तुहानू बंद नहीं रख सकते। उम्मीद है अगली मुलाकात जेल से बाहर हो सी। और मुझे काफी दुख हो रहा था कि एक आदमी जो कि इस मुल्क का 3 बार वज़ीर आज़म रहा है, आज इट इज 2019 और 2019 में भी एक वज़ीर आज़म कोट लखपत जेल में सजा भुगत रहा है। सरकारी स्कीम के तहत हज दरख्वास्तों की कुरानदाजी आज शाम 4 बजे वफाकी दारुल हुकूमत ही चोसी। तर्जुमान वजारत मजहबी अमूर ने किया वे कि दरख्वास्त गुजारा नतज की इतलाह बजरिए SMS दी जासी, जबकि वजारत मजहबी अमूर की वैबसाइट पर भी नतज की फहरिस्त जारी की जासी। इस बार 1,84,210 पाकिस्तानी फरीज हज अदा कर सुन। हथियारों का आलमी सतह के सबसे वड़ा फरोख कुनंदा मुल्क अमरीका वे, जबकि असले की सबसे ज्यादा खरीदारी करने वाला मुल्क सऊदी अरब है। बैनुल अक्वामी खबर रसां इदारे के मुताबिक अमन से तहकीक करने वाले स्टॉक होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपनी हालिया रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि 2014 से 2018 के दरमियान हथियारों की खरीदो फरोख्त 2009 से 2013 के मुकाबले 8% इजाफा हुआ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने सूबे खसूसन पिशावर ते मुदाफात जारी बारिशों ते आवाम दे जानो माल नूं मुमकिन नुकसानात दे मुश्किलात दे तनाज़ुर तमाम मुतालिका महकमियां नूं इंतहाई मुस्तैद रहने की हिदायत दी है। उन्होंने किया कि खसूसी तौर पर हसास इलाके मुतालिका इदारियां दे गैर मामूली तवज्जो ते कारकर्दगी दे मुतकाज़ी हुन। उन्होंने गलियात मलाकंड ते दीगर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की वजह नाल आवाम ते सयाहां नूं दरपेश मुश्किलात दूर करने का भी हुक्म दिता है। मुल्क बेनामी अकाउंट्स एक्ट 2019 नाफिज कर दिया गया है, जिसका इतलाक फौरी तौर पर हो सी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक बेनामी अकाउंट्स रखने वालियों को टैक्स नोटिस जारी किए जा सक सुन। जवाब ना मिलने से रकम फौरी जब्त हो जाती। इस वक्त बेनामी अकाउंट्स 50 अरब रुपए की मौजूदगी की मालूम FBR के कोल हूँ। गंदारा हिंदको अकैडमी पिशोर के स्टाफ मैंबर ने इस्लामाबाद का एक रोज़ा तफरी दौरा किया। वफ ने इस्लामाबाद पहुंच के गंदारा हिंदको बोर्ड के जनरल सैक्रटरी मुहम्मद जियाउद्दीन मुलाकात की थी। उन्होंने सरबराही गंदारा हिंदको अकैडमी इस्लामाबाद के दफ्तर का दौरा किया, मुख्तलिफ शोबाजात देखे। इस दे अलावा मुख्तलिफ तफरी मुकाम पर भी गए, जबकि लोक विरसा म्यूजियम मुख्तलिफ अदवार की मुख्तलिफ सकाफतों के हवाले न मुजस्मिया के शहपारियां भी दिलचस्पी का इजहार किया। पिशावर जलमी ने कराची किंग्स 61 रन के बड़े मार्जन नाल हरा दिता है। नेशनल स्टेडियम कराची खेले गए PSL 4 के तीसरे मैच पिशावर जलमी के 204 रन के ताकुब कराची किंग्स की पूरी टीम 142 रन के ढेर हो गई है। जलमी की बॉलिंग के सामने बैट्समैन बुरी तरह नाकाम हुए तो पिशावर जलमी के कामरान अकमल से इमामुल हक के 137 रन की ओपनिंग स्टैंड की बदौलत जलमी टीम ज्यादा रन बनाने कामयाब हुई। रोमानवी कहानी से मबनी फिल्म जनूने इश्क पाकिस्तान के 100 से ज्यादा सिनेमाओं में रिलीज की जाती। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री लंबे अरसे के बाद एक बार बाद कामयाबी के सफर से चल पई है तो एक दे बाद एक मुख्तलिफ मौजूआत से मबनी फिल्म रिलीज की जाती पई हैं, जेरी के फिल्म बीना के मयार के मुताबिक हूँ तो हूँ रोमानवी कहानी से मबनी फिल्म जनूने इश्क भी सिनेमाकारा की जीनत बनने जाती पई है, जिस दो नवे चेहरे अदनान खान ते माही खान के नाल मारूफ अदाकार मुस्तफा कुरैशी के पुत्र आमिर कुरैशी भी अदाकारी दे जोहर दिखा सुन। किसी हाथ से तूने हमारी साहिबा को छुआ था? इस दे नाल ही आज दी खबरां खत्म हुई, नवी खबरां नाल बात हाजिर होसियां। अल्लाह हाफिज़।